जी आज हम जिसके लिए बात करने के लिए आए हैं वो है जी सऊदी अरब की जर्नलिस्ट समीर अजीज। तो मोहतरमा, आपने औरत के हक में जो आवाज उठाई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने आवाज उठाई है। तो देखें, ये सिर्फ जो आपने आवाज उठाई है ये सिर्फ एक देसी डोज जाहिद खान के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। माशाल्लाह, आप जैसे फरमाती हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, माशाल्लाह आप अपनी गाड़ी भी दिखा रही होती है, आप अपना बंगला भी दिखा रही होती हैं, तो आप ये भी दिखा रही होती हैं कि ये मेरा मैनेजर साहब खड़ा है मेरी इंतजार में। ठीक, आपके पास सारे ही सोर्सेज मौजूद हैं मोहतरमा। तो ये आपने बहुत ही आवाज उठाने में देर क्यों की है? आपने पहली आवाज क्यों नहीं उठाई? देखें, औरत के हक में अगर आपने आवाज मजीद उठानी है तो देखें, सबसे पहले मुसलमान खातून डॉक्टर आफिया सदीकी, जो कि इस वक्त अमेरिका की जेल में मौजूद है, मेरी बहन, उसको तकरीबन 23 वर्ष हो चुके हैं जेल में। तो क्या जर्नलिस्ट साहबा, आपने उसके लिए कोई आवाज उठाई? नहीं। मैं कैसे तसव्वुर करूं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं? आपका ताल्लुक मीडिया से है, क्या आपने बर्मा की औरतों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, उनकी इज्जत को पामाल किया जा रहा है, क्या आपने उनके लिए आवाज उठाई? मैं कैसे मान जाऊं कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक है? मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान खवातीन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, क्या मेरी बहन आपने आवाज उठाई? तो कैसे माने हो कि आप जर्नलिस्ट हैं? जर्नलिस्ट सिर्फ आप इस दोषी डोज के लिए हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसने क्या रेप किया है, इसने किसके साथ रेप किया है? रेप रेप रेप। मोहतरमा, क्या जर्नलिस्ट जो हैं आप सिर्फ एक देसी डोज के ऊपर हैं? आप तो लगातार उसके साथ ज्यादती कर रही हैं, ज्यादती दर ज्यादती कर रही हैं। ये जो चंद दिन पहले वो अपनी जो आपने एक केस इंदराज करवाया हुआ है लाहौर में हमारे भाई रामे साहब से, तो वो बंदा वहां तारीख पे गया तो आपने अपने गुंडे भेजे और उसके ऊपर तशद्दद करवाया, आखिर क्यों? ये जर्नलिस्ट का काम है क्या? ये अच्छा काम है? इसको आप जर्नलिस्ट कहती हैं? नहीं। मोहतरमा, आपका मीडिया से ताल्लुक है? ये कैसा मीडिया से ताल्लुक है आपका? जिसको चाहे मरवा दो, जिसको चाहे बर्बाद कर दो। मोहतरमा, ऐसा नहीं है। हम आपको कैसे माने कि आप जर्नलिस्ट हैं? सिर्फ ये कानून जहद पर एक फोकस है, जहद पर ही सिर्फ लागू है, किसी और पर नहीं। क्या कुछ दिन पहले एक हमारी कौम की बेटी दुआ ज़हरा, जो कि कराची से अगवा हुई थी, क्या आपने आवाज उठाई? चलो, रामे साहब तो उनके वकील थे, क्या आपने आवाज उठाई? मैं कैसे मानूं कि आप कौन सी जर्नलिस्ट हैं? आप इसी के जर्नलिस्ट हैं कि दूसरों को मरवाने के लिए, धमकाने के लिए, अंडर प्रेशर करने के लिए
मोहतरमा, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम आपसे कभी भी नहीं डरेंगे, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, और ना हम जाहिद को आपके आगे झुकने देंगे। वो और हैं जो माफिया मांगकर आपको एफिडेट लिख कर देते हैं कि जाओ हम आपसे माफी मांगते हैं। जाहिद किस चीज की माफी मांगे? चलिए आप मुझे बताएं क्या गुनाह किया है उसने? उसने यही गुनाह किया है कि हक सत की आवाज उठाई है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है गलत, जिना, तो आपका तो उनसे ताल्लुक है, तो आप तो उन लोगों के साथ बैठकर मोहतरमा खाने खा रही हो, पिकनिक मना रही हो, गपशप कर रही हो, तो इल्जाम उठाकर जाहिद पर, क्या उसने कोई गलत काम किया है? किसका रेप किया? चले मुझे आप बताएं, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप मुझे बताएं। जब आपने केस इंदराज करवाया है तो लाहौर में उसके जाने का कोई हक नहीं है, उसने पेशी पर तो जाना है, क्या उसको अंडर प्रेशर किया जा रहा है? मोहतरमा, हम सब पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, हम जाहिद डेसिडोस के साथ हैं। मोहतरमा, ऐसे बंदे इन चीजों के साथ ऊपर नहीं जाते। अच्छे काम करो तो अल्लाह ताला आपको और ऊपर ले जाएगा, आपके पास तो हर चीज मौजूद है, आप क्यों नहीं आवाज उठाती? ये जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, मेरी बहना, मेरा आपसे सवाल है कि अगर ऊपर जाना है तो अच्छे अच्छे काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इखलाक के दायरे में रहकर अच्छी अच्छी बातें करें, किसी के ऊपर जुल्म सितम के बारे में मत सोचें। उम्मीद करता हूं अपनी बहन से कि ऐसी हरकत ना करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।